स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे मून माइनिंग के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो आइडिया ये है कि हम लोग अंतरिक्ष में अब माइनिंग करेंगे, मतलब जो खदान बनाया जाता है वो अंतरिक्ष में करेंगे। तो अंतरिक्ष में सबसे पहला जगह जो हम लोग जा सकते हैं वो है चांद। तो चांद में ये करेंगे, तो फिर आप बोलोगे ठीक है करने का तो कर लिया जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? तो काफ़ी लोग ये भरोसा करते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, अगर हम लोग चांद पे खदानी करने लगे तो हम लोग को एक नया गोल्ड रश आ जाएगा, मतलब इकोनॉमी में काफ़ी सारे नए एलिमेंट घुस जाएंगे। तो प्रॉफिट वाली बात है ये, मतलब समझिए ऐसा ही होगा तेल का एक नया कुआँ खोज लेने जैसा। तो इसलिए ये है। और अगर इंसानियत को आगे जाना है, मतलब अंतरिक्ष में जाना है, यानी स्पेस फेयरिंग स्पीशीज बनना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग चांद पे जा सकें। मतलब हम लोग कहीं और नहीं जा सकते जब तक चांद को पूरी तरह से नहीं समझ लेते हैं, तो चांद पे जाना ज़रूरी है। फिर आते इस बात का है कि हमारा इतना इंटरेस्ट चांद पे क्यों है, मंगल उंगल पे क्यों नहीं है? तो पहला ये समझिए पैसा। अगर आपको मंगल ग्रह पे सीधा सीधा सोना भी रखा हुआ मिल जाए कि हाँ यहाँ एकदम पूरा फिल्टर करके रिफाइन करके सोना का रखा हुआ है, वो आप वापस भी ला के बेच नहीं पाइएगा, क्योंकि वो इतना महंगा हो जाएगा कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मार्स पे तो कुछ कर नहीं सकते, बचा चांद। तो चांद इतना नज़दीक है कि जाना आना पे उतना अंधेर जैसा खर्च नहीं होता, और वहाँ से अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको आप वापस ला सकते हैं सस्ते में, तो पैसा वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, ये नज़दीक होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपके घर के पिछवाड़े है या किसी, मतलब समझिए सऊदी अरेबिया में कोई नया तेल का कुआँ मिल गया, ये स्पेस में है, तो ये बात को मजाक में नहीं लिया जा सकता। और इसका हर चीज़ तो मतलब सोचने में तो क्या जाता है, सोचना तो फ्री होता है, लेकिन करने के लिए ये किया जा सकता है, क्योंकि 1980s में और 70s में ही तो हम लोग उतर चुके थे। तो अगर उस टाइम कर लिए तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमारा इंटरेस्ट है। अब हमारा उम्मीद क्या है? उम्मीद आप ये समझिए कि पैसा खूब बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहला उम्मीद यही है, पैसा। आप कहीं कहीं कोई भी वीडियो देखिएगा तो कहीं कहीं जगह पे बताया जा रहा है कई बिलियन डॉलर्स बनेंगे, कई ट्रिलियन डॉलर बनेंगे, तो पैसा तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा, हीलियम 3। अगर आप हीलियम 3 के बारे में नहीं जानते, बस ये समझिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है फ्यूजन टाइप का, जिसपे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इस रिएक्शन का खासियत ये है कि अगर आप नॉर्मल हीलियम के साथ ये करते हैं तो आपको न्यूट्रॉन मिलता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, एन्यूट्रॉनिक न्यूक्लियर फ्यूजन है। मतलब कि दो मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल जाता है वो न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन निकल जा रहा है। प्रोटॉन का फायदा ये होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, इसलिए उससे आप एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसको प्रोटॉन को आप मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर देगा, जैसे जनरेटर में होता है। तो मतलब समझिए सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर ही जनरेटर की तरह काम करेगा, और काफ़ी इफिशियंट होगा, और छोटा भी बनाना पड़ जाएगा, मतलब इफिशियंट भी है छोटा भी, और रेडिएशन भी नहीं पैदा कर रहा, तो समझिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। और मतलब इतना है चांद में कि एक दो मतलब इंसानियत का बेला वक्त संभाल ले। फिर वहाँ पे सोना चांदी भी है, कितना है ये तो मतलब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, मतलब सैटेलाइट से देख के हम लोग काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक्चुअली जब उतरेंगे तब पता चलेगा कि कितना है। तो वो वहाँ पे मिला तो उसका भी काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। फिर आते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि चांद पे हम लोग इंसानियत बसें, कि मान लीजिए आप गर्मी छुट्टी में चले गए देखने के लिए, या मतलब जैसे स्वीडन जाते हैं पेरिस जाते हैं, चांद पे भी जा सकेंगे। मतलब हाँ शुरू शुरू में तो बहुत महंगा होगा, लेकिन धीरे धीरे का दाम घटता रहेगा। तो चांद पे अगर इंसानियत पहले रुक गया, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस एक दिन गया पैर रखा वापस आ गया, रुक गया मतलब वहाँ कॉलोनी बना ली कि हाँ वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपका मतलब कोई रिश्तेदार हो कि हाँ हम तो चांद पे ही रहते हैं, मतलब यही उनका काम है, यही उनके ऑफिस है, तो ऐसा करना चाहते हैं। तो ये सब हमारी उम्मीदें हैं। अब हकीकत में आते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि हीलियम 3 के बारे में सब लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग फ्यूजन अभी तक बना नहीं पाए हैं, वो फ्यूजन के आगे का टेक्नोलॉजी है हीलियम 3। तो मतलब ऐसे आंख मूंद करके कूद जाना कि मतलब सीधे हीलियम 3 ले आएंगे, अरे आप ले भी आओगे तो करोगे क्या, उसका रिएक्टर नहीं है हमारे पास। तो पहला तो झंझट वही है। दूसरा, चांद पर इंसान रह नहीं सकता क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी है वो पूरी तरह से बनी है अर्थ के ग्रेविटी में, यानी 1G के लिए बनी है। तो अगर अर्थ से आप बाहर निकल गए, यानी कि लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में चले गए, आप टिक नहीं पाइएगा ज़्यादा देर। तो इस कारण से बिना ग्रेविटी के रहना खतरनाक है, मतलब धीरे धीरे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होते जाती हैं, और एंड में आप ना तो धरती पे वापस नहीं आ पाएंगे, धरती की ग्रेविटी में आपका हड्डी बर्बाद हो जाएगा, चूर हो जाएगा, और वहाँ पे भी रह नहीं पाइएगा क्योंकि अपना हार्ट प्रेशर भी अनबैलेंस हो जाता है, बहुत सारा अदर नुकसान भी है। तो सब मिलाने के बाद
चांद पे रहना ऐसा कोई हलवा वाला बात नहीं। हाँ कुछ दिन रह सकते हैं, एक दो घंटे में तो कुछ होगा नहीं, और एक दो हफ्ता भी, एक दो हफ्ता खींच रहे हैं, लेकिन मतलब आपको असर पता चल जाएगा कि आप चांद पे उतना, मतलब घूमने जाना ठीक है, लेकिन वहाँ रह के काम करना लगभग सुसाइड जैसा ही होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ग्रेविटी का जो कमी है वो आपको नुकसान कर देगा। फिर हीलियम थ्री जो है, ऐसा नहीं है कि चांद पर रखा हुआ कि अरे गए एक पत्थर उठाए, अरे हीलियम थ्री है इसको डाल दो रिएक्टर में, ऐसा नहीं है। हीलियम थ्री जो है वो बहुत रेयर है। कितना रेयर है आप कई जगह सुनते होंगे कई मिलियन टन है, तो कई मिलियन टन सोना समुद्र के पानी में भी है, तो समुद्र का पानी छानिए उसमें आपको सोना मिलेगा, मिलेगा एकदम हर हाल में मिलेगा, लेकिन आप बोलोगे यार बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा वो कर, वैसा ही बात है हीलियम थ्री का वहाँ। ऐसा नहीं कि रखा हुआ है आराम से आप बस गए और मिल गया। फिर प्रेशियस मेटल के बारे में जो लोग बात करते हैं कि सोना लाएंगे चांदी लाएंगे, वो सब में आप ये बात समझिए कि अगर वो वहाँ बहुत मिल भी जाए तो प्रेशियस मेटल का दाम घट जाएगा। जैसे एक टन, मान लीजिए एक कंट्री है जैसे इंडिया है, 5,000 टन सोना है मान लीजिए, या 50,000 टन जो भी है, मान लीजिए 50 सोना है, आप उसके यहाँ 500 सोना आसमान से ले आते हैं तो सोने का दाम घट जाएगा, उसी दाम पे वो नहीं रहेगा, उसका दाम घटता चला जाएगा। और एक बार अगर दाम घट गया तो दोबारा वो दाम ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जैसे ही दाम ऊपर चढ़ेगा लोग और नया ले आएंगे, और जो यहाँ पे मतलब माइनिंग पहले से कर रहे हैं सोने की खदान में वो अपना दाम घटा देंगे। तो दाम एक बार अगर घटा तो वापस चढ़ेगा नहीं, और मान लीजिए स्पेस में मिलना बंद हो गया तो आप बोलोगे दाम फिर चढ़ने लगे, नहीं रिसाइकिल करने लगेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप जो बाहर से लाए हैं वो हमारे मोबाइल में घुसने लगेगा, लैपटॉप में घुसने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सोना यूज़ करना चाहते हैं लेकिन महंगा पड़ता है इसलिए नहीं करते हैं। तो जनरली सोना और कॉपर को मिला के काम किया जाता है, गोल्ड और कॉपर एलॉय किया जाता है, तो जितना आपका सोना रहेगा उतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक्स चलने लगेगा। तो पुराने मोबाइल में जो लोग आप देखते हो ना कि बोलते हैं कि सोना है इसमें, मतलब पुराने मोबाइल में सोना सही में है, बस ऐसा नहीं है कि आप एक सोना मतलब मोबाइल उखाड़िए तो 1 ग्राम सोना मिलेगा, मिलीग्राम्स के अंदर भी होता है, मतलब नैनोग्राम में होगा, लेकिन है। तो प्रेशियस मेटल का वो फ़ायदा तो बहुत शॉर्ट टर्म है कि मतलब ठीक है एक बार आप उतारे ठीक है बहुत प्रॉफिट हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, 10वें बार दाम घटने लग जाएगा, तो ये काफ़ी छोटा नैरो विंडो है। तो ये है हकीकत, ठीक है हकीकत तो जान ली। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि करेंगे कैसे, मतलब ठीक है मतलब थोड़ा भावनाओं में बहने की जगह पे आप नीचे आ जाएं, ठीक है लेकिन हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये सब स्टेप है और मैं इन सब स्टेप पे कोशिश करूँगा कि एक पूरा वीडियो अपने फ्यूचर फ्राइडे एपिसोड्स में बनाने लगूँ। तो सबसे पहला होता है कि पावर, ऊर्जा चाहिए, आपके पास ऊर्जा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऊर्जा पहले तो सोलर पैनल से आएगा, बाद में नया सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सोलर पैनल उतना ज़्यादा पावर देगा नहीं, मतलब इंडस्ट्री चलाने लायक नहीं देगा। तो ठीक है पहले आपके पास पावर चाहिए, फिर दूसरा होता है हैबिटेशन। लेकिन आप बोलोगे कि मैंने तो बोला कि इंसान चांद पर रह नहीं सकता, लेकिन काम करने के लिए वहाँ रहने लायक होना चाहिए। कि मान लीजिए आपने रोबोट से वहाँ माइनिंग कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख़राब हुआ रोबोट तब तो कोई एक आदमी को जाना पड़ेगा। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि वो रोबोट है उसको रॉकेट पे लॉन्च करके उसको वापस धरती पे लाइए फिर धरती से वापस भेजिए, वहाँ पे आप एक आदमी को रखेंगे। ये समझिए वैसा ही होगा जैसे एक पायलट होता है कि प्लेन में वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ बटन से दबा रहा है और कंप्यूटर सब चीज़ कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर ख़राब हुआ तो पायलट प्लेन को हैंडल करेगा। तो उस कारण से हैबिटेशन का होना ज़रूरी है। फिर आता है प्रोडक्शन। हैबिटेशन आपने एक बनाया तो एक से आप दूसरा बनाएंगे, दूसरा से तीसरा बनाएंगे, फिर ज़्यादा पावर कलेक्टर बनाएंगे। तो सब मिला के आपको ऐसा करना है कि आप एक से दो हो, दो से चार हो, चार से 16 हो, तो आपको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर दोबारा धरती से हर चीज़ भेजना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा और फिर लोग वापस छोड़ देंगे उसको। तो प्रोडक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए हम लोग 3D प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, CNC मशीन यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो PCB प्रिंटर भी आने लगे हैं, तो मतलब काफ़ी चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये ठीक है आपने अब सामान बनाने लगे, लोग आने जाने लगे, मतलब आप एक अर्ली कॉलोनी बन गया है। अर्ली कॉलोनी के बाद आपको पावर लॉन्च चाहिए। पावर लॉन्च का मतलब ये होता है कि बिना ईंधन जलाए आप आगे पीछे चांद पे उतरना और चांद से वापस निकलना कर सकें। तो ऐसा धरती पे करना मुश्किल है क्योंकि ए धरती की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ की बहुत कम है। फिर दूसरा ये होता है कि यहाँ एटमोसफेयर भी नहीं है। तो अगर आप एक मैगलिफ ट्रेन बनाते हैं, मतलब जो बुलेट ट्रेन जिसको लोग समझते हैं ना, बिना पहिया वाला मैगनेट पर चलने वाला, वो अगर आप बनाते हैं तो वो आप बहुत तेज से चला सकते हैं, और चूंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो मतलब ग्रेविटी है बहुत कम है, तो वो कम ग्रेविटी में आपका वज़न कम हो जाता है, हवा नहीं है तो आपकी ये फ्रिक्शन नहीं होगा, मैग्नेटिकली आप चल रहे हैं, तो बहुत आराम से एक मतलब ट्रेन को ही आप पूरा लॉन्च कर दोगे। और जब उतरने टाइम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सिस्टम को उल्टा कर देने से आप उससे एनर्जी निकाल सकते हैं और ट्रेन को स्लो कर देंगे। तो मतलब जो भी आपका लॉन्च पॉड है आराम से गया ट्रेन के रास्ते से ऊपर गया, फिर आने टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड एक बार क्रिएट करेगा, उससे एनर्जी निकाल ली जाएगी।
तो बिना ईंधन का इस्तेमाल किए, मतलब सिर्फ ऊर्जा का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसा नहीं है कि तेल चला रहे, मतलब समझिए हम लोग तेल पे ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम चाहिए ताकि इससे चांद पे उतरना और चांद से निकलना आसान हो जाए और लाखों बार करने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर आप हर बार रॉकेट खर्च करने लगेंगे तो आप लोगों को तो पता ही है रॉकेट मतलब 10 टन ले जाने के लिए 100 टन का ईंधन खाता है। तो ये करना ज़रूरी है कि हम लोग आराम से चांद पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो कि वहाँ बनाएंगे उससे हम लोग आना जाना कर सके। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पे भी मैं भविष्य में वीडियो बना दूंगा। और फिर ये जब ये सब हो जाए, जब एक स्टेप बाय स्टेप सब हो गया कि हाँ, लेकिन ये सब तो छोटा ही रहेगा, मतलब 4-5 लोग रहेंगे, थोड़ा सा फैक्ट्री रहेगा, थोड़ा सा मतलब काम हो रहा है, तो ये सब को अब बड़ा करना है। जिस दिन वो स्टार्ट हो गया, जिस दिन हम लोग लार्ज स्केल करने लगे, हम लोग चांद को कॉन्कर कर चुके रहेंगे। ये है हमारा इंसानियत का आखिरी स्टेप। जिस दिन चांद को पकड़ लिए, ये जहाँ पहुँचे, लार्ज स्केल पहुँचे, काम ख़त्म, इंसान उसके बाद एक्चुअली स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मून माइनिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, और ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फ्री हैं तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।